काशी हरिद्वार भला काशी हरिद्वार आए मथुरा नगरिया कवना शहर में तोहे ढूंढू रे सवारिया धर्म अर्थ काम और मुक्त अंतिम गति इंसान की यही होती है, हार्दिक इच्छा होती है। ये जीव सवाल कर रहा है, बताने वाले विद्वान लोग बता रहे हैं दुनिया में अलग अलग रूप में, लेकिन आप हैं कहाँ? भली लाइन में से मोहब्बत करे वो तो मिल जाएगा। वहीं पे गुरु स्वामी जी महाराज रामचरित जी बता रहे हैं, मैंने सुने कौशल्या के गोद में भगवान राम बन के आए। सोमदास बता रहे हैं कि आप देवकी वासुदेव के यहाँ भगवान कृष्ण बन के आए। लोग आगे भी बता रहे हैं
गौतम बुद्ध ने बताया हर जीव के अंदर उस मालिक का उस आत्मा के रूप में समाया हुआ है। वहीं पे जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी ने बताया भगवान सूर्य के रूप में जो आसमान में दिखाई देते हैं, आप उस मालिक के रूप है। विज्ञान भी इसको मानता है, अगर सूर्य की रोशनी धरती पे न पड़े तो कोई वनस्पति नहीं हो सकता, फल हो सकता, ना अनाज हो सकता, और जब ये चीजें नहीं होगी तो धरती पे जीवन संभव नहीं है। लेकिन एक काशी में पैदा एक अनपढ़ संत कबीर साहब बतौलन के दस कोरी कुंडल में समरी ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाय। मृगा के नाम से जैसे कस्तूरी निकलेला, पागल मन करके मन मन दर्द की ठोकर खाता है, घूमता है लेकिन पाता नहीं। ठीक उसी प्रकार ये आदमी इंसान काशी में, काबा में, हरिद्वार में, तीरथ में, मुरत में खोजता है, लेकिन वो अमृत का खजाना तेरे अंदर भरा है। इसी बात को गोस्वामी महाराज ने कहा कि घट में है सुझत नहीं, लानत ऐसो जिंद स्वामी यही संसार को भयो मोतिया भी। तो माल इसमें गया है लेकिन बाहर ये खोजता है। आगे की लाइन में दुनिया वाले लोगों ने खत्म महापुरुष पैदा हुए तो उन्होंने धर्म का एक रास्ता चला दिया। हे प्रभु कैसे खोजे, बड़ा सिद्धांत बाबा मत बा कबीर जी का संदेश है। और रामचरितमानस हिंदू धर्म का सबसे महा ग्रंथ है इस दुनिया का, उसमें लिखा है गुरुवीर भवानी की तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सब होई, ब्रह्मा विष्णु शंकर के समान अपनी मेहनत से अपनी रियाज से अपने पुरुषार्थ से कोई उनके बराबरी हो सकता है, लेकिन गुरु के बिना कोई भव सागर को, भव बंधन को पार नहीं पा सकता, तो नहीं सकता, इसलिए गुरु की आवश्यकता है। और गुरु में गुरु गुरु में भेद है। आदमी के जिंदगी में सात गुरु होते हैं, सबसे पहला गुरु वो दाई जो नरवा के काटे ले,
दूसरा गुरु माता पिता, तीसरा गुरु कोई ना रिश्तेदार, सगा संबंधी कोई नाम लिखता है, ऐसे करके साथ में गुरु सदगुरु होते हैं और सदगुरु के द्वारा इस ज्ञान की प्राप्ति, जीव के छुटकारा का रास्ता मिलता है। हे भैया, हम उनके गांव देहात में लोग कहला कि साझी सवेरे राम राम कर ले गो, जो शिव के मान्यता शिव शुरू कर ले गो तो पार हो गई बेड़ा छोड़ गए। लेकिन कभी साहब कहलन कि मीठा मीठा कहला से मुंह मीठ ना हो सकेला, पाँच मिनट चाहे पाँच घंटा करबो चीनी चीनी करबो मुंह मीठ ना हो, चीनी को खाना पड़ेगा, चीनी गन्ने से पैदा होगी, इसकी पिराई होगी, ओके आग में चलावल जाए, पकावल जाए, मशीन में तब जाके चीनी हुई, ओके खाई जाए, सब बहुत लंबी प्रक्रिया है। हारमोनिया बजावे के गुरु के जरूरत बा, ढोलक के सीखे के बाद गुरु के जरूरत बा, सुरती लिखाए के बाद तो ओहो में गुरु की जरूरत बा। जो इतना आसान है विज्ञान नहीं है, दुनिया का सबसे कठिन विद्वान। इस विज्ञान को जानने के लिए हमारे भारत की धरती पे ही महापुरुष पैदा हुए, ऐसे सदगुरु पैदा हुए, इनकी शरण में जाना चाहिए, मानव जीवन पाने का ही लक्ष्य है। आखिरी लाइन